बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अक्सर फैशन स्टूडियो। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत ही मज़े में होंगे और लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही स्टाइलिश यूनिक डिज़ाइन बाथरूम के डिज़ाइनिंग क्रोचिट डिज़ाइन लेके आई हूँ और आप देख सकती हैं कि आप किस तरह अपने वॉशरूम में डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। व्यूअर्स, मेरा मेन मकसद आपको आइडियाज़ देना होता है और आपको बताना होता है न्यू ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक कि 2022 की न्यू कलेक्शन क्या है और आप इनको देख कर किस तरह अपने वॉशरूम को खूबसूरती से डेकोरेट कर सकती हैं। और व्यूअर्स, इसके साथ ही आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ व्यूअर्स, फीडबैक मत देना भूलना करें, मत बताना भूलना करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप न्यू आने वाली वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं ताकि आपकी एंड पसंद के मुताबिक वीडियोज़ बनाई जाएँ। व्यूअर्स, मेरा मेन मकसद आपको आइडियाज़ देना होता है फैशन से रिलेटेड और आपको बताना होता है कि 2022 की न्यू कलेक्शन क्या है। और आप देख सकती हैं कि बहुत ही यूनिक खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन है, बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइनिंग है। आप भी इनसे देखकर आइडियाज़ ले सकती हैं और आप अपने वॉशरूम को और कमोड की बहुत ही खूबसूरती से आप इसको बना सकती हैं। बिल वॉशेबल है व्यूअर्स, आप ही चाहें तो इन्हें घर में बना सकती हैं और प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स, मेरी वीडियोस का अपने पर्सनल अकाउंट एंड सोशल अकाउंट पर शेयर करना मत भूला करें और ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सकें और वो भी फैशन से रिलेटेड आइडियाज़ ले सकें। और व्यूअर्स, आप देख सकती हैं कि मेरी तमाम वीडियोस आपके लिए डेली बेस पे अपलोड्स होती हैं और आप डेली बेस पे न्यू आइडियाज़ ले सकते हैं। और क्रोचिट के मतलब आपको बताना होता है, अगर आप क्रोशिया का काम जानती हैं तो प्लीज़ व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपने वालदैन का। और दुआ में याद